तिवारी जी, आज भाजपा कार्यालय पर जो बैठक हुई है, क्या कहना है आज की बैठक को लेकर, जो समीक्षा बैठक हुई है? यहाँ जिला प्रभारी प्रदेश द्वारा यहाँ बनाए जाने के बाद पहली बार आगमन हुआ है, तो ये परिचयात्मक बैठक थी। यहाँ सभी सीनियर, सभी जिले के पदाधिकारी जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जो कार्यकर्ता है, उनका केवल एक परिचय प्राप्त किया गया है और आगे से फिर हम अन्य बैठकों में, अभियानों में जो पार्टी द्वारा चलाया जा रहा है उसमें हम चलेंगे, काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के चुनाव में हमने पिछली बार अपना BSC प्राप्त किया था। दिनेश लाल यादव ने रुवा के रूप में हमारे सांसद हुए थे, आगे भी हम 2024 में हमारा सांसद हो और मोदी जी पुनः इस देश के प्रधानमंत्री बने, इसके लिए पूरे प्रयास हम। एक तरफ इंडिया महागठबंधन है, दूसरी तरफ PDA है जी, और जो है इंडिया डबल इंजन की सरकार है और 2024 का चुनाव करीब है, तो इसको लेकर क्या चुनौतियाँ रहेंगी, कुछ चुनौतियों के? यही तो हमारी मजबूती का कारण है, डबल इंजन की सरकार है, हमारे पास मोदी जी और योगी जी ऐसे नेता हैं, सारा विपक्ष जो अपने शासन काल में भ्रष्टाचार में लिप्त था, आज वो भयवश सब इकट्ठे हो गए हैं, वही इंडिया गठबंधन है। वो सभी अपराधियों और भ्रष्टाचारियों का एक गठबंधन है, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है इस देश में, आम जनता मोदी जी के साथ है और पुनः एक अवसर 2024 में मोदी जी को मिल रहा है। संगठन की मजबूती को लेकर क्या चर्चा है? हमारा संगठन बहुत मजबूत है, मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा कि आजमगढ़ अच्छे कार्यकर्ताओं का जिला है, बहुत अच्छे कार्यकर्ता है। मैं 2016 में एक बार जिला प्रभारी रह चुका हूँ, मुझे पता है आजमगढ़ इन्हीं कार्यकर्ताओं के दम पर हम पुनः लोकसभा में चुनाव जीतेंगे और संगठन हमारा बहुत ठीक है। पांच राज्यों का चुनाव हुआ है जी, तो लोग उसको सेमीफाइनल के तरफ देख रहे हैं, तो 2024 के चुनाव में इसके रिजल्ट आने के बाद उसका असर जो है? अब ये राष्ट्रीय नेताओं से पूछिए, वो ये यहाँ का विषय नहीं है, वो हमारे वो जो है डिबेट में राष्ट्रीय नेता और वो लोग मिलते हैं। सर, समाजवादी पार्टी कह रही है कि आजमगढ़ के जो सांसद कुछ कमियों के हम हार गए, लेकिन 2024 के चुनाव में हम जो दोनों सीट पे जीतेंगे तो क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी की अब करतूत को लोग जान रहे हैं, जो लोग उसके 5 साल के शासनकाल में रहे हैं वो भूल से भी सभा को वोट देने के आज भी तैयार नहीं। भाजपा सुशासन दे रही है, अब आजमगढ़ में एक बार कमल खिला तो ये कमल अब आगे अनवरत खिलता जाएगा। आज 24 में लोकसभा भी जीतेंगे और 27 में यहाँ की सभी सीटों पर विधानसभा भी जीतने वाले हैं, तो समाजवादी 24 को लेकर के आजमगढ़ के लिए क्या रणनीति आप लोग बना रहे हैं? रणनीति हम लोग बनाएंगे, अब रणनीति कभी बताई थोड़ी जाती है, रणनीति मीडियम थोड़ी दी जाती है। लोगों को ये लगे कि हाँ भाजपा आनी चाहिए 2024 में आजमगढ़ के लिए? लोगों को लगेगा, यहाँ की जनता को लगेगा और अब की पिछली बार से अधिक मात्रा में लोग हमारे साथ आएंगे। आप देखिए, अगर आम जनमानस की बात की जाए, जैसे कि अगर जनरल को छोड़ दिया जाए, तो लोगों का यही शिकायत रहती है कि जो उच्च जातियां हैं, मतलब दो वर्गों में बांट दिया गया, एक जनरल को और OBC को हटा करके, मतलब ये जनरल अलग कर दिया गया और बाकी सारी जातियां एक तरफ हो गई है, उनका कहना है
कि हर सीट पर जनरल ही बैठा हुआ है जिस भाजपा के राज्य में, इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्या और जो भी जातियों के साथ ये कौन भ्रम पैदा कर रहा है? हम जिसके लिए चुनाव में जा रहे हैं, हम हमारे नेता ही, हमारे देश के प्रधानमंत्री, और इसके लिए हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए फिर हम चुनाव में जाएंगे, वही पिछड़ी जाति से आते हैं। वर्ग और एससी के लिए क्या क्या काम करने वाले हैं? वो बहुत काम हुआ है, बहुत सारी योजनाएं हैं, उस सब पर बहुत लंबा नहीं, लेकिन आज पिछड़े वर्ग के लोगों को और अनुसूचित समाज के लोगों को ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही हमारी असली हितैषी है, यही हमारे हित का काम किया है। बाकी और तो सपा बसपा भी प्रदेश में सरकार में थी, आप देखे होंगे। आजमगढ़ में दो मुद्दे बहुत तेजी से भी ट्रेंडिंग में है, एक तो हो गया आजमगढ़ एयरपोर्ट, जो साल एक साल पहले से चल रहा है उसका आंदोलन, जो जमीने देने के लिए तैयार नहीं, इसके लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। दूसरी मांग जो है वो रेलवे को लेकर क्या है कि बनारस गोरखपुर होते हुए आजमगढ़ वाया होते हुए जानी चाहिए, इसकी मांग जो है कि जिसके लिए नीरव जी ने भी बात की थी, तो इससे काम कब तक हुआ इस पर हम बात करके तब मैं, चूंकि पूरी जानकारी जब तक न प्राप्त कर लें तब तक आपको नहीं। आजमगढ़ एयरपोर्ट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो पूरी मैं बात करूँ, इस पर जरूरी होगा तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले यहाँ चर्चा करूँगा।